हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं स्लोवेनिया। स्लोवेनिया एक कंट्री है जिसमें हम जा रहे हैं लुबियाना, और ये हमारा होटल था वेनिस का जहां हम रुके हुए थे। तो हम जा रहे हैं फ्लिक्स बस से, और हमारे होटल से जहां मेट्रो स्टेशन था वहीं से फ्लिक्स बस भी मिलती है। तो यहाँ से 4.5 आवर लगेगा हमको पहुँचने में। तो ये रहा इटली का लास्ट सिटी, और इसके बाद स्लोवेनिया बॉर्डर लग जाएगी। तो यहाँ से मे बी 2 आवर लगेंगे हमको पहुँचने में। तभी हम पहुंच गए हैं लुबियाना, और यहाँ भी बारिश हो रही है। तो हमने सोचा, भूख भी लग रही है और तो यहाँ मैकडोनल्ड दिख गया हमको, तो हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसे जाना है, टैक्सी मिलेगी या बस से जाना पड़ेगा, तो उसका भी देखना पड़ेगा। बट पहले कुछ खाते हैं। तो अभी हम हमारे होटल पहुंच गए हैं, और हम बस से आए हैं। हमको थोड़ा प्रॉब्लम हुई ढूंढने में कैसे के जाना है, बट एक बंदे ने हमारी हेल्प की, और अभी हम रेडी हो गए हैं क्योंकि अभी हमको निकलना है। टाइम को यूटिलाइज़ करना है क्योंकि विंटर है तो जल्दी रात हो जाती है। तो हम फटाफट रेडी हो गए हैं, अभी निकलते हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं सिटी सेंटर, बट नॉट एग्जैक्ट सिटी सेंटर, थोड़ा सा यहाँ से वॉकिंग है। और बस स्टॉप हमारे होटल के बिल्कुल पास में ही था, तो वहाँ से डायरेक्ट बस थी यहाँ आने के लिए। तो अभी हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। अभी यहाँ पे ना थोड़ी सी धूप आ गई है, वो जो बारिश के बाद जो धूप आती है जाने वाली, तो ऐसा इतना अच्छा लग रहा है ना देखने में, ऐसे ऑरेंज ऑरेंज कलर का। और घूमने आए हैं और मौसम ठीक हो जाए तो अच्छा लगता है, वरना बारिश में तो घूमने में मज़े ही नहीं आते हैं। यहाँ पर ना शॉपिंग स्ट्रीट है पूरा, और जो भी विजिटिंग प्लेस है ना सब यहीं पास में ही है। तो आप यहाँ आओगे सिटी सेंटर और सारे प्लेसेस आपको मिल जाएंगे जो भी आपको विज़िट करने हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं। ये जो ब्रिज है ना, ये बहुत फेमस है यहाँ, बट अभी शायद वीडियो में इतना अच्छा, अगर कहीं ऊपर से वीडियोस लेते ना तो आपको प्रॉपर दिखता, बट अभी इसे सामने से लेने में उतना प्रॉपर नहीं आया है। और यहाँ नीचे कनाल है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, और कैसल है यहाँ पे, बट हम कैसल नहीं जाएंगे क्योंकि वो 6 o'clock बंद हो जाता है, और अभी हमको मतलब पहुँचने में भी टाइम लग जाएगा।
यहाँ पर ना म्यूज़ियम वगैरह भी है, और यूरोप में ना आप किसी भी कंट्री चले जाओ आपको बहुत सारे म्यूज़ियम मिलेंगे जो कि हम देखने जाते नहीं हैं, हम बस इसे घूम के बाहर से देख के आ जाते हैं। बाय द वे लुबियाना जो है ना वो कैपिटल सिटी है स्लोवेनिया की, ये बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, छोटा सा ही कंट्री है बट अच्छा है। और यूरोप में आप कहीं भी चले जाओ आपको स्ट्रक्चर सेम ही मिलेगा और ऐसा लगेगा ये तो देखा हुआ है। ये भी यहाँ का एक फेमस पॉइंट है ड्रैगन ब्रिज, यहाँ ब्रिज है और दोनों साइड ड्रैगन बने हुए हैं। और अभी हम आए थे कुछ खाने के लिए, इतना ठंडा हो गया तो सोचा कॉफ़ी वगैरह पी ले और कुछ खा लेते हैं, तो हमारा खा के हो गया है, बाद में हमने वीडियो बनाया। यहाँ जो ऊपर आपको लाइटिंग दिख रही है ना वो कैसल है, और अभी 6 o'clock हो गया है शायद, तो अभी फैनिकुलर बंद हो जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं कुछ सोविनियर लेने के लिए, हम इसे आज ही ले लेते हैं क्योंकि कल हमको घूमने भी जाना है, वापस वेनिस भी जाना है तो टाइम नहीं मिलेगा, तो हमने सोचा जो भी लेना है आज ही ले लेते हैं। तभी हम जस्ट ऐसे घूम रहे हैं गलियों में, और अभी क्या डिनर टाइम हो गया है तो रेस्टोरेंट में बहुत सारे फुल दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे क्योंकि अभी हमने जस्ट खाया है, तो हम पैक करा कर लेके जाएंगे क्योंकि जब तक भूख लगेगी लेट हो जाएगा, और अभी घूम लिया हमने और ठंडी भी हो रही है तो हमने सोचा हम पैक कराते हैं और टाइम पर होटल पहुँचेंगे, आराम से बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, और क्योंकि सुबह फिर निकलना है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।